नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका आईएनएन 24 में। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कार्डधारियों का कहना था कि खानापूर्ति के तौर पर डीलरों को निलंबित कर दिया जाता है, मगर कार्डधारियों को उनका राशन नहीं दिला पाती है विभाग। यह सरासर अन्याय है। कार्डधारियों का राशन गबन करने वाले डीलर को जेल भेजा जाए ताकि डीलर और सुधर सके। पूरा जमुआ प्रखंड में पीटीडीएस सिस्टम भ्रष्ट हो चुकी है। हमारा कृष्ण अधिकार कार्डधारी तुम्हारे रोहता नाम है। डीएसओ साहब 25 फरवरी को गया था, इसके सामने ना डबल चावल वितरण किया, ठेपा ले लिया डबल का, सिंगल चावल दिया है उसमें। हम साहब डीएसओ साहब कुछ भी नहीं कर रहा है इस पर अभी तक, और मैं से लेकर के अभी तक सिंगल चावल मिला है, डबल चावल मिलवे नहीं किया है। हमारे एक ही बार मिला है चावल, हमारे कार्ड रद्द कर दिले, दो कार्ड रद्द कर दिले, पांच कार्ड रद्द कर दिए, पांच कार्ड रद्द, पांचों कार्ड चार ना मिले, पांचों कार्ड अपने चार ना मिले। अभी जांच आगे की कार्रवाई चलेगी। अभी हमको आदेश मिला है कि जिन लोगों को राशन नहीं मिला है उनका विस्तृत जांच करके जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का। एक बार अनाज मिला है इसका शिकायत था, और हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ये आदेश दिया गया है कि जांच करके इसका जांच प्रतिवेदन देंगे, और अगर नहीं अनाज मिला है तो उसको अनाज देने का काम करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे का विचार करेंगे।